मुख्यमंत्री जी ने आज आकर 72 करोड़ रुपए की राशि का शिलान्यास करके हमें ये प्रेरणा दी है कि हम भगवान श्री राम अयोध्या में जिस प्रकार भव्य बना है, हम बिहार में भी सीता जी के जन्म स्थली पर एक भव्य मंदिर बनेगा। बिहार के सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। बता दें कि सीता माता का यह जन्म स्थली पुनौरा धाम है और यहाँ सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं। उन्होंने 72 करोड़ की लागत से जो पुनौरा धाम का विकासात्मक कार्य होना है इसका उन्होंने शिलान्यास किया है। साथ ही जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वाटर स्पेक्ट्रम, इसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है और कई निर्देश भी दिए हैं। उनके साथ मंत्री विजय चौधरी, सांसद सुनील कुमार पिंटू, मंत्री जमा खान समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद है। तो यहाँ पर महागठबंधन के तमाम विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद समेत अन्य नेता पहुंच गए हैं सीएम का स्वागत करने के लिए। और यहाँ सीएम पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने पुनौरा धाम में माता सीता की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने मंदिर का परिक्रमा भी किया है। और अभी जो सीतामढ़ी के लिए लोगों को सौगात मिली है 72 करोड़ की लागत से, जो माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम है, इसका विकासात्मक कार्य का शिलान्यास किया गया है, जिससे लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलेंगे। विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। देखिए, मैं बतलाया कि आज सीतामढ़ी के लिए बड़ा स्वर्णिम अक्षर में लिखे जाने वाला दिन है कि आज माँ का भव्य मंदिर के निर्माण में यहाँ के इस परिसर का सौंदर्यीकरण के लिए आज एक शुरुआत हुई। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आकर 72 करोड़ रुपए की राशि का शिलान्यास करके हमें ये प्रेरणा दी है कि हम भगवान श्री राम अयोध्या में जिस प्रकार भव्य बना है, हम बिहार में भी सीता जी के जन्म स्थली पर एक भव्य मंदिर बने। क्या लग रहा है सर, बीजेपी राम मंदिर पर सियासत करती है तो जेडीयू सीता मंदिर? माँ कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पर कोई सियासत हो, और माँ को भगवान जब श्री राम की जब आराध्य उनके हैं तो भगवान श्री राम ही अब चाह रहे कि हमारे बनने के बाद अब माँ का मंदिर बने। इसमें कोई दलगत वाली भावना नहीं है, सबकी भावना है कि माँ सीता का भव्य मंदिर। सर यहाँ भी सर सीएम मीडिया से दूरी बनाए रखे, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, क्योंकि इसको क्या जवाब दे ना दे इस पर हम लोग नहीं कुछ बोल सकते। जिले के लिए क्या संदेश देंगे सर? जिले के लिए कि आज का एक दिन बड़ा स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला इतिहास का दिन होगा कि आज सीतामढ़ी में ये एक बहुत बड़ा कार्य का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री ने किया। तो सीतामढ़ी पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार ने 72 करोड़ की लागत से जो पुनौरा धाम का मंदिर है उसके विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास किया है। वहीं संबंध में सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तरह से माता सीता का भी भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बनेगा, और इसके लेकर सीएम नीतीश लगातार प्रयासरत थे और उन्हीं के प्रयास का यह नतीजा है कि 72 करोड़ की लागत से पुनौरा धाम में विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि यह घड़ी आए, और उन्होंने काफी महत्वपूर्ण समय में से समय निकालकर सीतामढ़ी में यह विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। बता दें कि उनके इस शिलान्यास से क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, और इससे माता सीता का जो जन्मस्थली पुनौरा धाम है जो अब तक अपेक्षित है, ऐसा लोगों को लग रहा है कि अब यहाँ का विकास होगा, और जो देश के मानचित्र पर अब तक माता सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम को जगह नहीं मिल पाई है वो आने वाले समय में मिल सकेगा।